बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैरियत से हैं। तो अभी हम ज़रा शाम शाम का टाइम है, तो निकले हैं ज़रा बच्चों को शॉपिंग करवाने। ईद आ रही है और आपको पता है ईद फिर जब आती है तो फिर बच्चे जो हैं वो कहते हैं हमने शॉपिंग करनी है, और वो तो मस्ट हो जाती है। ईद की शॉपिंग जो होती है थोड़ी डिफरेंट होती है। तो हम निकले बाज़ार में, लेकिन रश इतनी थी। ईद उल फितर पे इतनी रश होती है मानते हैं, ईद उल अज़हा पे इतनी रश नहीं होती, लेकिन ईद उल अज़हा पे क्यों इतनी रश है ये समझ नहीं आई। चलें, वो तो हम चल रहे हैं, जा रहे हैं। चलें, आज आपसे मैं बात करती हूँ, ये तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, अपनी आउटिंग भी शेयर कर लेते हैं जी। तो व्यूवर्स, मेरी जो एक आंटी हैं मासी, तो मासी कहती हैं कि हैप्पी जॉइंट फैमिली वाले क्यों नहीं नाम रिमूव कर रहे बग्गी के पुराने चैनल से, अनलिस्ट क्यों नहीं कर रहे। तो मैंने बहुत दफ़ा ये चीज़ बताई है अपनी वीडियो में, ठीक है। मेरी जो पिछली वीडियोस हैं उनमें मैंने कितनी दफ़ा बताई है कि अनलिस्ट तब नहीं कर रहे जब तक अर्निंग नहीं आ जाती। जिस दिन अर्निंग आएगी ये सारी वीडियो डिलीट हो जाएंगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, पैसा उनके हाथ में चला जाएगा, तो बात ही ख़त्म हो गई है। अब आपका क्या ख्याल है इस बात को बार बार खुरेदना या गड़े मुर्दे जो उखाड़ रही हैं वो, इससे क्या मिलना है? कुछ भी नहीं मिलना। इंतज़ार करें, इतना इंतज़ार, 7-8 माह इंतज़ार किया है, थोड़ा सा इंतज़ार और सही। कोई देखिए, सब्र का फल मीठा होता है, तो बस सब्र करें। जब वो नहीं बोल रहे, बग्गी को बोले, बग्गी बोले कि आप मेरे चैनल से मेरी वीडियो डिलीट कर दें, नाम चेंज कर दें, पिन आई या नहीं आई बस डिलीट कर दें, नहीं आते पैसे तो ना आए। बग्गी को बोलें ये बात करें। जिस दिन बग्गी ये बात करता है ये चैनल रिमूव हो जाएगा। आप नहीं, मासी को हम कह रहे हैं आप ज़रा साइट में हो, बग्गी से ये अल्फाज अदा करवाएं, जैसे अभी करवा रही हैं। जब आप हम कहते हैं उनका घर वहाँ है तो आप उन्हें घूमने के लिए बाहर निकाल देती हैं, जाओ उस जगह चले जाओ, वहाँ चले जाओ, लोगों को ये जगह दिखाओ कि मैं इस जगह पर हूँ, लोग कहें कि हाँ जी आप मेरे पास नहीं हैं। देखिए अब मासी भी गेम पे गेम ना खेलें ना, मासी भी अब सुनती नहीं है हमारी बात। लेकिन मासी से हम यही कहेंगे कि आप बग्गी से बोलें कि ये अपनी मुतालबात जो हैं पेश करें जी, ये जो आप कह रही हैं वो बग्गी को बोलें, बोले तो मज़ा तो तब आएगा। तो हम बग्गी के मुंह से ये बात सुनेंगे और फिर हैप्पी जॉइंट फैमिली वाले इसका आंसर भी करेंगे। आपका आंसर देना ज़रूरी नहीं समझते जी। तो व्यूअर्स, बात मैंने जो की है उस पर गौर करेंगे और मुझे दें इजाज़त। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ क्योंकि अभी थोड़ी शॉपिंग भी करनी है और मैं यहाँ पर बात को ख़त्म करती हूँ। ओके जी, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।